हाय फ्रेंड्स, मैं सिंह रावत, एमसीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश के मकबरे एवं समाधियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप डिस्कशन करते हैं, देखते हो, आगे चलते देखो, मैं आपको मकबरे के बारे में बताता हूँ। मकबरे जो अपने होते हैं, वो जो मुस्लिम लोग होते हैं, उनकी जो मृत्यु के बाद उन्हें जो समाधि दी जाती है, दोस्तों वो मकबरा होता है। और जो अपने में जो हिंदू धर्म में जो होते हैं, जैसे कि लोग खत्म हो गए तो उनको मरने का जैसे जला दिया जाता है, या फिर जिंदी समाधि, जिंदा लोग होते हैं, जिंदा गाड़ दिया जाता है, उन्हें समाधि बोलते हैं। आओ चलो मैं बताता हूँ आपको मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधियां। तो दोस्तों, इनमें से कुछ मस्जिदें भी है, मस्जिदों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मस्जिद और समाधि और मकबरे। दोस्तों, समाधि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, मुरैना से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुरैना चलते हैं। दोस्तों मुरैना में आपको पढ़ाऊंगा गोना बेगम का मकबरा। दोस्तों, जो अपना मुरैना है, मध्य प्रदेश का मुरैना के बारे में मैं आपको और पढ़ा चुका हूँ, कई बार बता भी चुका हूँ। मुरैना एक अच्छा अपना जिला भी है, मुरैना बहुत अच्छा। और दोस्तों, आगे और बताता हूँ मैं आपको मुरैना के बाद। अपन मुरैना में ही दोस्तों शहीद स्मारक है, जो राम प्रसाद बिस्मिल का, इन्होंने गाना गाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दोस्तों, यही है वो जो राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था, उनका जो उनकी जो शहीद हुई थी, शहीद होने के बाद उनको यहीं पे उनकी यही समाधि बनाई है। दोस्तों, नेक्स्ट आगे और चलते हैं। आगे जो अपना जिला है वो है ग्वालियर में। आप जानते हो कि ग्वालियर में बहुत सारे मकबरे एवं समाधियां, सबसे पहले देखते हैं अपन मकबरे और समाधि पढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मकबरे और समाधि, जैसे मोहम्मद गौस का मकबरा, जो चीज होती है, मतलब यहाँ पर उनको, मतलब यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनको यहीं पे इनको दफना दिया गया था, इसे ही मकबरा कहते हो। और अपनी जो आगे चलते तानसेन का मकबरा, दोस्तों तानसेन के गुरु थे, मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे, और तानसेन की समाधि जस्ट इनके बगल से ही, वो मोहम्मद गौस की जो मकबरा है, मोहम्मद गौस का मकबरा, उन्हीं के जस्ट बगल से ही तानसेन की समाधि है। यहाँ पे अपने जो जलकारी भाई जो महारानी लक्ष्मी बाई की सहायिका थी, ग्वालियर में अपनी महारानी लक्ष्मी बाई की समाधि और जलकारी बाई दोनों की समाधि यही पे है। बताया जाता है कि अपनी जो झांसी की रानी थी, वो युद्ध के समय अपने ग्वालियर के राजा सिंधिया जी से सहायता मांगने आई थी, तो ग्वालियर के राजा सिंधिया जी ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया था, और उनको उन्होंने अपने किले में अंग्रेज सेना को शरण दे रखी, मतलब पहले से ही अंग्रेज वहां पर मौजूद थे। और जैसे ही झांसी की रानी वहां पर पहुंची किले में अंदर, तो बताया जाता है, मतलब अपन तो थे नहीं, बताया जाता है कि जैसे उन पर हमला कर दिया गया, तो वहां से उन्होंने अपना जो उनका घोड़ा था, तो वहां से उसने छलांग मारी आगे, जो ग्वालियर की जो नदी है स्वर्ण रेखा नदी, दोस्तों आजकल नल्ला बन गया है, पहले बहुत अच्छी नदी मानी जाती थी, मतलब उसमें भी बाढ़ आती थी। आप और बताता हूं मैं आपको, उसके बाद उनको यहाँ पर मार दिया गया था। दोस्तों बताया जाता है कि जो उनकी समाधि थी, उनकी समाधि पे आज तक कोई अंग्रेज नहीं आया। दो बताऊं मैं आपको सबसे बड़ी बात, उनको किसी अंग्रेज ने जिंदे रहते हुए उनसे हाथ नहीं लगा पाया। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, शिवपुरी पढ़ते हैं, गाइस आगे देखते हैं फ्रेंड। शिवपुरी में अपने बाबा पीर उदान का मकबरा। दोस्तों सबसे जो जगह मानी जाती है, उस मकबरे में मकबरा है, जो अच्छा मकबरा बताया जाता है अपने शिवपुरी में सबसे अच्छी जगह बताई जाती है, यहाँ सिंधिया वंश की छत्रियां यानी कि समाधियां यहीं पे हैं। जितनी भी सिंधिया, इससे पहले जो ज्योतिराज सिंधिया, इससे पहले जो उनसे पहले है ज्योतिराज सिंधिया, तो भी जिंदा है। दोस्तों मैं बताऊं आपको, तो जो समाधि बनाई है वो अधिकतर यही है अपने शिवपुरी में। दोस्तों अपन देखते हैं सांख्य राजे सिंधिया जी की जो समाधि है ना, वो मध्य प्रदेश की पहली संगमरमर की पहली समाधि है, संगमरमर से बनी हुई पहली समाधि है। आगे और बताता हूं मैं आपको, तेजाजी का मकबरा है। और चलते हैं अपना जो नेक्स्ट जिला है वो है अपना शाजापुर।
शाहजहापुर देखते हैं अपन अपना शाहजहापुर। शाहजहापुर के बारे में मैं आपको बता दूं अच्छी तरीके से, आप जान लो दोस्तों। शाहजहापुर के बारे में आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। देखो आप चलते हैं शाहजहापुर। शाहजहापुर में मैं आपको चलो शाहजहापुर शाहजहापुर में बताता हूँ दोस्तों। गरीबनाथ का मकबरा और रानी रूपमती की समाधि यही पे है अपना जो शाहजहापुर है। शाहजहापुर में रानी रूपमती की समाधि, जो बाज बहादुर की पत्नी थी, बाज बहादुर की डेथ के बाद उनको वो वहां से भागी तो शाहजहापुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहापुर आगे चलते हैं दोस्तों और बताता हूँ आपको। शाहजहापुर शाहजहापुर के बाद अपन चलते हैं धार। धार देखते हैं अपन, धार चलते हैं। धार में आगे और पढ़ाऊंगा मैं आपको। आगे चलते हैं अपन धार। धार को जो नेक्स्ट नेक्स्ट बताने वाला हूं मैं आपको धार में, वो अपनी नेक्स्ट समाधि है। धार में जो अपनी अच्छी जो माना जाता है, जो हुसैन शाह का मकबरा है, जो सफेद संगमरमर का पहला मकबरा है, सफेद संगमरमर का पहला संगमरमर का पहला मकबरा है। और आगे देखते हैं बंदी चोर मकबरा। दोस्तों एक बंदी चोर जो अपना ग्वालियर में जो वो है ना जेल बताई जाती थी, यहाँ पर जो अपने गुरुद्वारा बनाया है, ऐसे ही बंदी चोर बोलते हैं, बंदी चोर गुरुद्वारा। दोस्त आगे और देखते हैं अबुल शाह चंगेज खां का मकबरा। अबुल शाह चंगेज खां का मकबरा। आगे और चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो अपना धार का, धार में एक मस्जिद और है, धार में एक मस्जिद है, लाख मस्जिद, लाख मस्जिद है, लाख धार में। अपन और पढ़ते हैं दोस्तों, अभी और देखते हैं धार में मांडू, मांडू अपन मांडू की जो अपन अभी मांडू में और रह गए, मांडू पढ़ते हैं अपन अपना बाज बहादुर शाह का, बाज बहादुर शाह की समाधि अपनी यहीं पे है धार, वो मांडू में है अपनी बाज बहादुर शाह की समाधि। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपना सीहोर। सीहोर है, सीहोर में दो सीहोर में कुंवर चैन सिंह की समाधि है, जो अपने पहले क्रांति 1857 में, पहले जो क्रांतिकारी थे 1857 में, उन जो शहीद हुए थे यहीं पे, जो उनकी समाधि है, पहली शहीद स्मारक है जो अपना सीहोर में। दोस्तों सीहोर जी रहा अपना सीहोर, मैं आपको सीहोर के बारे में बता रहा हूँ। सीहोर सीहोर आगे चलते हैं अपना, जो कुंवर चैन सिंह थे वो यही पे इनकी समाधि है, जो 1857 की क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं, पहले शहीद माने जाते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं छतरपुर। छतरपुर में मस्तानी भाई की समाधि, मस्तानी भाई की समाधि। आगे चलते हैं अपना छतरपुर। छतरपुर वो छतरपुर जे रहा अपना, छतरपुर के बाद आगे चलते हैं अपन अपना छतरपुर के बाद चंदेरी। चंदेरी के बारे में मैंने आपको इससे पहले बहुत बताया था, आपको चंदेरी के, चंदेरी किले के बारे में बताया था कि जो पहाड़ियों के चारों तरफ, पहाड़ियों को चारों तरफ से गिरा हुआ था और पहाड़ियों के बीचों बीच था। यहाँ पर बाबर ने 1528 में आक्रमण किया था। यहाँ के राजा कीरत पाल सिंह थे, जो एक राजपूत शासक थे, अच्छे शासक थे, और जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो पहाड़ी के नीचे से रास्ता बनाया था, जो पहाड़ियों से चढ़ने में उनको बहुत कठिनाई हो रही थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी को चढ़ा नहीं, उसे नीचे से ही रास्ता बना लिया था, उसमें रात रात उन्होंने पूरा रास्ता बना लिया था अपना, जो मैं बता रहा था आपको छतरपुर अपना। जो चलते हैं धार, छतरपुर जो अपना हो गया, मस्तानी भाई का जो मकबरा हो गया। आगे जो चलते हैं जो अपना है छतरपुर के बाद चंदेरी, बैजू बावरा की समाधि। दोस्तों चंदेरी बता रहा था मैं आपको, चंदेरी अपना जेरा अशोक नगर में चंदेरी रहा। दोस्तों चंदेरी में ही बता रहा था मैं आपको बैजू बावरा की समाधि। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपना सागर। सागर में है दोस्तों अपना जी रहा अपना सागर। सागर है दोस्तों अपना यहाँ पर बालजती शाह का मकबरा। दोस्तों अपना बालजती शाह का मकबरा यही है सागर में। अपना जो नेक्स्ट जिला है दोस्तों वो पढ़ते हैं जबलपुर। जबलपुर में दोस्तों एक गांव है बड़ेरा। बड़ेरा गांव में दोस्तों रानी दुर्गावती की समाधि है अपना जबलपुर। जबलपुर चलते हैं दोस्तों अपना जबलपुर एरा। जबलपुर में अपना बड़ेरा गांव, बड़ेरा गांव यहाँ पे है दोस्तों, जो अपना जो बड़ेरा गांव में जो अपनी वो है ना समाधि, वो है रानी दुर्गावती की समाधि। मंडला में गिरधारी भाई जो अपनी अवंतिका भाई थी ना, मंडला अपना एरा, मंडला अपना गिरधारी भाई
जो अपनी गिरधारी वाई थी वो आवन दोस्तों रुको, जो मंडला में जो अपनी जो आप मंडला की जो रानी थी आवंती बाई, रानी आवंती बाई क्रांतिकारी की, बहुत उन्होंने भी राम लक्ष्मी ने सब लक्ष्मी बाई जैसा ही काम किया है। और देखते हैं उनकी जो जिनकी इनकी सहायता झलकारी बाई थी अपनी झांसीदार रानी लक्ष्मी बाई के साथ, इनकी सहायता थी वो गिरधारी बाई थी। और आगे देखते हैं दो गजन तो बैतूल चलते हैं अपन। बैतूल में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, बैतूल चलते हैं, बैतूल में भी अच्छी समाधि है जो अपने जो अपने शासकों में से एक है। अपना जो बैतूल में जो शासक हैं वो रहे अपने बैतूल के शासक गजन सिंह, गजन सिंह उनकी समाधि बैतूल में है। नेक्स्ट जिला अपना आगे का जो जिला है दोस्तों मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, भोपाल। भोपाल में मैं आपको सबसे पहले अच्छी जगह बताऊंगी, भोपाल में यहाँ मस्जिदें हैं, तीन मस्जिदें हैं भोपाल में, तीन मस्जिदें हैं। सबसे पहले बताता ना बताता हूँ आपको ढाई ढाई सीढ़ी की मस्जिद जो एमपी की सबसे छोटी मस्जिद है, ढाई सीढ़ी की मस्जिद है जो एमपी की सबसे छोटी मस्जिद है। अपनी जो नेक्स्ट मस्जिद है उसे देखते हैं, अपनी जो नेक्स्ट मस्जिद एमपी की ऊंचाई के आधार पर, एमपी की ऊंचाई के आधार पर सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, और इसके बाद जो अपनी ताजुल मस्जिद है वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बैठक व्यवस्था के आधार पर सबसे बड़ी मस्जिद है। दोस्तों मैंने आप देखो आपको मैंने अपने मुरैना, ग्वालियर, सीपरी, अशोकनगर, छतरपुर, सागर, जबलपुर, मंडला और बैतूल, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, धार। दोस्तों सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं आपको, जो भी एमपी का जो भी एग्जाम होता है जैसे कि अपना व्यापम में जो भी एग्जाम है एसआई वगैरह उसकी प्रिपरेशन हर चीज के लिए की जाती है। दोस्तों एमपी में आ रहे सबसे ज्यादा जो भी पेपर हुआ है जो अपना एमपी में एमपी पुलिस का, एमपी एसआई का, उसमें एमपी जीएस का सबसे अच्छा क्रेज रहता है इसमें। यानी कि अपने एमपी में जो व्यापम के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरी एमपी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने आपके समाधि एवं मकबरे खत्म हुए। दोस्तों आगे के जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आगे का और जो टॉपिक होगा डिस्कशन किया जाएगा, देखते हैं दोस्तों। इसके लिए आप देखते रहिए, धन्यवाद।